एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा लखनऊ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके तहत आम लोगों को भूकंप, बाढ़, लू आदि से सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी गई। टीम द्वारा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के साथ साथ जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए, जिन्हें पढ़कर लोग जागरूक हों। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राज्य आपदा मोचन बल के अधिकारी चोट लगने पर पट्टी बांधना, सीपीआर देना, बाढ़ में बचाव करना सिखा रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट संतोष कुमार ने भी इस पर बात की है। आपदा विशेषज्ञ हैं या आपदा से जुड़े कार्मिक हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, आपदा मित्र हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा रहा है कि बाढ़ से पूर्व क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए, बाढ़ के दौरान क्या क्या किया जाना चाहिए और बाढ़ के पश्चात क्या क्या तैयारी की जा सकती है और बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा जो लाइफ सेविंग टेक्निक्स है, जैसे CPR है, ब्लड कंट्रोल मेथड है, और जो इमरजेंसी मूव्स टेक्निक्स है, इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विश करने का तरीका है, इसको दिखाया जा रहा है डेमो के तौर पर, उनसे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। सर, और कुछ यहाँ पे कार्यक्रम में क्योंकि लोग भी हैं यहाँ पे जागरूक के लिए, यहाँ पे लोगों को एक ट्रायल दिया जा रहा है, डेमो दिया जा रहा है, सर इसका क्या कुछ है? यहाँ पे बेसिकली जो आपदा मित्र है, एनसीसी कैडेट है, स्कूल के बच्चे हैं और जो लोकल्स हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा रहा है, अवेयरनेस किया जा रहा है कि जो भी आपदा है भविष्य में, जो आपदा आ रही है मानसून सीजन में, जैसे बाढ़ आ सकती है, अभी हीट वेव चल रहा है तो गर्मी से हीट वेव से कैसे बचा सकता है, फायर इंसिडेंट हो रहे हैं तो फायर में कैसे बचा सकता है, इनके बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। NDRF के कार्मिक है, SDRF के कार्मिक है, लोकल पुलिस के हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हुए विशेषज्ञ हैं, जो बताया जा रहा है, पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है कि आप जो आने वाली आपदाएं हैं उसमें कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और अपने पड़ोसी को, अपने घर वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग कैसे सुरक्षित रहें, कैसे अपना बचाव करें? बाढ़ प्रभावित इलाकों में सबसे पहले लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि जो डूब क्षेत्र हैं उससे वो बाहर रहें, अपने घर को जो रिवर बेड है उसके अगल बगल ना रहें, रिवर बेड से हाई ग्राउंड की तरफ चले जाएं, लगभग बाढ़ नदी का एक दायरा होता है, उस दायरे में ना रहें, और जब भी आप मानसून के सीजन में हैं तो आप IMD को रेडियो को मॉनिटर करते रहें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो गाइडलाइंस है उसको मॉनिटर करें, और जो भी बरसात में कहाँ कितनी वॉल्यूम में बरसात हो रही है, कहाँ नदी से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, उसको भी मॉनिटर करते रहें कि समय रहते हुए आप अपने जो डूब क्षेत्र है उससे बाहर निकल के सुरक्षित स्थानों पर, राहत कैंपों में पहुँच सकते हैं,